छह मोती का प्राइस है 500 रुपया। तो ये आइसलैंड में मेनली सी फूड ही मिलता है। Hey guys, welcome back to the channel. तो पुरी से निकले थे 12:40 को चिल्का के लिए, और पुरी से चिल्का का टोटल डिस्टेंस है 53 किलोमीटर का, जिसका टाइम लगता है अप्रोक्स डेढ़ घंटा करीबन। और अगर आप गूगल में सर्च कर रहे हो तो चिल्का लेक बोट सेंटर सर्च करो, एकदम जो गवर्नमेंट वाला सेंटर है वहां तक का लोकेशन गूगल आपको दिखा देगा। बाकी रोड कंडीशन का बात करूं तो एक्सीलेंट है, सिंगल लेन है, बावजूद इसके एक्सीलेंट रोड कंडीशन है। तो चलिए जो बोट सेंटर है गवर्नमेंट वाला वहां पे पहुंचते हैं, बाकी बात आपसे वहां पे करते हैं। हे गाइस, तो अभी 2 बज रहा है, हम लोग चिल्का लेक पहुंचे हैं, और यहाँ से कुछ बोट वगैरह लेके उस तरफ कुछ डॉल्फिन वगैरह कुछ दिखाता है, और कुछ आइलैंड है वहाँ पे जाने के लिए। तो मुझे नहीं पता है अभी तक, मुझे भी जानना है, आपको भी दिखाएंगे। और गवर्नमेंट वाले में आए, सामने एक प्राइवेट वाला भी था लेकिन वहाँ पे नहीं गए। और पुरी से इसका डिस्टेंस लगा 1 घंटा 20 मिनट करीबन। तो चलिए बोट में उठते हैं और दिखाते हैं कि क्या है सामने, क्योंकि मुझे ही खुद नहीं पता है कि क्या है वहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ से बोट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे देखते हैं वो चीज़। और 4,000 रुपये लगा, 4 जने जाएंगे हम लोग, तो एक पर्सनल बोट 4,000। और टाइम बोला है कि आप कभी भी आ सकते हो, 7 बजे 8 बजे कभी भी। तो उठते हैं और क्या है ओरिजिनली वो देखते हैं। अच्छा, ये वाला हम लोग का बोट है, और लाइफ जैकेट भी दिया गया है, तो पहन लेते हैं लाइफ जैकेट, और उसके बाद फोटो दिखाते हैं आपको। भाई साहब, हेवी ड्राइवर अभी उतर भी नहीं पा रहे हैं, मतलब गया इसका लाइफ जैकेट पर वो आइलैंड में, इसका तो चांदी ही चांदी है भाई, इसको जो जो चाहिए लाइफ में सारा कुछ मिलेगा बोला वहाँ पे। জল ঢুকে গেছে তো বোটে, টাইটানিক হয়ে যাবে। এই জল পর করতে কি আসছে? আরে ইয়ে বৃষ্টি হয়ে গেছে, তুমি যাবে নাকি আবার? না না, আমাদের লাইফ জ্যাকেট পরলে না? तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 4,000 रुपये में आप एक बोट हायर कर सकते हो, यहाँ पे मैक्सिमम 10 से 12 बंदा बैठ सकता है, और यहाँ पे 3 पॉइंट कवर करता है। फर्स्ट जो है वो है रेड क्रैब, कहीं पे दिखाता है वो वाला आइलैंड है। दूसरा जो है वो है डॉल्फिन का, और जो तीसरा पॉइंट है वो भी एक आइलैंड ही है, वहाँ पे आपको खाना वगैरह मिलेगा। तो फर्स्ट आइलैंड में आ चुके हैं, देखते हैं कितना सारा रेड क्रैब हम लोग देख पाएंगे, और ये जगह कितना वर्थ है। तो ये रेड क्रैब देख लो आप, बस इतना सा ही दिखाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक कटोरी में ला के आपको दिखा देगा रेड क्रैब, और उसके लिए एक आइलैंड में आपको जाना पड़ रहा है, मतलब कुछ भी यार। तो देखते हैं और क्या चीज यहाँ पे दिखता है, फिर निकलते हैं डॉल्फिन के लिए। बांग्ला पर पूछ रहा हूँ, ये भीतर ही साथी नक्षत्र भी हाँ जी, मुझे भेजिए मुक्तोटा देखो। नहीं तो मैडम मेल हेलो मुक्तोटा कोई नहीं, ये छोटा ओ देखा भाव भाव खतरा खतरा। ये मुक्त दिए आंगती है, कनर दूल, ब्रेसलेट, पेंडेंट, नेकलेस, माला। 6 मोती का प्राइस है 500 रुपया। अच्छा है, बोला था कितना? 3,000, मैंने 500 करे का 500 करके एक बोला था। अच्छा, 6 मोती का आया 500 रुपया, ठीक है भाई। ब्रो फीलिंग के रकम ब्रो, ये तो काला वाला मिला था। वो तो इसको काला वाला मिला, लेकिन लेके जा रहा है वाइट वाला। तो 500 से डायरेक्ट 100 में उतर गया, तो आप सोच ही सकते हो कि कितना जेन्युइन पल है ये। तो अभी डॉल्फिन देखने जा रहे हैं, और देखते हैं हमें डॉल्फिन दिखता है या नहीं दिखता है।
নদীটা অনেকটা ভাই ভাই চলে ভাই ভাই একদিকে চলে এসেছে পাপা নদীও বস আরে তুমি দাঁড় করাও না এটাকে এখানে আমি বুঝে নেব ওই যে আরেকটা উঠলো ওইখানে দেখ ওই ওই শার্কের মতো পিনটা দেখ এই উপরে উঠবে না পুরো আমরা 200 টাকা দিচ্ছি বন্ধ করো ভাইয়া তোরা বন্ধ করো तो हमें तो दिखा है डॉल्फिन लेकिन कैमरे में वो रिकॉर्ड नहीं हो पाए शायद, और ये इसलिए कि एक तो शाम हो चुका था और एक मोबाइल में जूम का क्वालिटी तो उतना अच्छा नहीं आता है। तो डॉल्फिन वगैरह तो दिखता ही है यहाँ पे, उसका कोई ये नहीं है। आप लोग अगर डॉल्फिन के लिए आ रहे हो यहाँ पे तो आराम से देख पाओगे डॉल्फिन। बाकी अभी जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पे जा रहे हैं, एक आइलैंड है, देखते हैं क्या मिलता है वहाँ पे। गाइस तो 2:30 बजे निकले थे चिल्का का जो पॉइंट था वहाँ से, और उसके बाद डॉल्फिन वगैरह देखे, पता नहीं कैमरे में कितना आया, देखना पड़ेगा जाके। और अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 5:05 हो रहा है टाइम, और एक सी माउथ आइलैंड करके है, यहाँ पे आए तो यहाँ पे सब खाना वगैरह मिलता है यहाँ पे। और क्या कॉस्टिंग रहता है बताता हूँ आपको, लेकिन एक चीज़ तो लगा कि आने का टाइम जो डॉल्फिन देखे उसमें वो 4,000 रुपया पूरा वसूल हो चुका, मतलब कैमरे में आया या नहीं आया मुझे पता नहीं है, लेकिन सामने से बहुत सारा डॉल्फिन देखे हम लोग आज। तो खाना खाते हैं यहाँ पे, और क्या प्राइस वगैरह क्या रहता है यहाँ का वो भी आपको बताएंगे। तो चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ से जब आने के लिए टाइम लगा 2.5 घंटा, लेकिन जाने के लिए बोल रहे हैं कि 15 से 20 मिनट लगेगा। तो ये आइसलैंड में मेनली सी फूड ही मिलता है, कोई चिकन वगैरह यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, और बाद बाकी ड्रिंक्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे। तो मैं सी फूड नहीं खाता हूँ तो अवॉइड किया हूँ, मूढ़ी खा लिए, और निकलेंगे यहाँ से। अभी कितना टाइम हो रहा है, 5:30 बज रहा है, 10-15 मिनट में निकल जाएंगे यहाँ से। तो अगर मैं अपना चिल्का का एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो डॉल्फिन वाला जो पार्ट था एक्सीलेंट था, उसके बाद जो 2.5 से 3 घंटे का बोटिंग का एक्सपीरियंस रहा वो भी एक्सेलेंट था, लेकिन बाद बाकी जो आइलैंड पे लोग विजिट करवाता है मुझे कुछ खास नहीं लगा। पहले वाले आइलैंड में तो कुछ था ही नहीं, ये वाले आइलैंड में भी खाना बोलने से बस वो सी फूड, ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं करके वो बोल रहा हूँ, खाने का क्वालिटी भी उतना खास है नहीं, और प्राइस भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे खाने का। तो आप में से भी कोई अगर चिल्का आ रहे हो तो सारा चीज़ देख के आइएगा। बाकी अभी रिटर्न जा रहे हैं, और कल हम लोग रिटर्न चले जाएंगे पुरी से कोलकाता, लेकिन कोणार्क होते हुए जाएंगे, तो वो भी सारा चीज़ आपको दिखाएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। बाकी मिलते हैं आपसे ऐसे ही नया इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।